I'm Khurshid, I'm from Islamabad, Uri. तो बेसिकली मैं भी एक बॉर्डर एरिया से ही बिलोंग करती हूँ. तो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वोट डालना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो फीमेल्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है, बॉयज़ से कम नहीं है. तो मैं यही चाहूँगी कि जो जितने भी फीमेल्स हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, तो वो वोट कास्ट करें, क्योंकि अगर हम जब तक वोट कास्ट नहीं करेंगे, अपना लीडर नहीं चुनेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी. तो बेटर है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वोट का, वो बहुत ही ज़्यादा है. ये एक क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है हमारे लिए, फीमेल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज हमें ये चाहिए कि हम वोट कास्ट करें, ताकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारे अंदर एक हिडन टैलेंट्स होते हैं, हर किसी के अंदर होता है, हर फीमेल के अंदर. जैसे कोई है, कोई फीमेल ऐसी होगी जिसको क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई ऐसी होगी जिसको सिलाई करने में, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, बट दे कॉन्ट यूटिलाइज देयर टैलेंट्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हम वोट कास्ट करेंगे, हम बाहर निकलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप वोट कास्ट करेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती है. और फीमेल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में फीमेल जो है वो किसी से कम नहीं है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फीमेल्स को बहुत कम चांसेस दिए जाते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए. ये हमें भी चांसेस मिलने चाहिए. हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने जो भी टैलेंट्स हैं वो यूटिलाइज करने का हमें भी मौका मिले. तो यहाँ पर हमने देखा कि रैलीज जितने भी हुई उसमें मेल्स जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है. तो मैं चाहती हूँ कि फीमेल्स को दिया जाए वो, क्योंकि वो भी बोलने में बहुत ज़्यादा बोल्ड है. तो मैं भी चाहती हूँ कि हम भी स्पीकर्स हैं, हम भी बोलना चाहते हैं. तो हमारी जितनी हमारी जो आवाज़ है वो हमारे आवाम तक पहुँचे, हम भी चाहते हैं. मैं इस्लामाबाद से ही बिलोंग करती हूँ, और आज हमारे यहाँ पे वोट स्टार्ट हुआ है. और अब अगर आप देख रहे होगे तो बहुत सारी भीड़ यहाँ लगी हुई है, और ख़ासकर यहाँ पे औरतें और गर्ल्स जितनी भी हैं वो भी आई हुई हैं. तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा उड़ी हमेशा हर चीज़ में आगे होता है, और वो कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, लड़कियां और लड़के हमेशा आगे होते हैं. तो आज वोट था तो वोट में कैसे पीछे रह सकते थे. और यहाँ पे कुछ चीज़ें यूनिक सी दिखी. यहाँ पे पहली बार उन लड़कियों ने, उन लड़कों ने वोट डाला जिनका पहला वोट था. उनमें वो जज्बा था, जोश था यहाँ आने का, और वहाँ यहाँ आकर उन्होंने अपने लीडर को वोट डाला, जो वो डिज़र्विंग करते थे उनको वोट डाला. तो बहुत अच्छा लग रहा है. और जो पहले नहीं आ सकते थे घर से वोट डालने के लिए, आज वो भी आए हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत यूनिक वोट है ये. खासकर यहाँ पे देखने को मिला, जो नौजवान है वो लड़का लड़की हो, जिनका पहला वोट था वो देखने को मिले यहाँ पे, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो दिखे यहाँ पे वोट डालते हुए. तो बहुत अच्छा लग रहा है. ये यहाँ से पता चलता है कि उड़ी में कितना जज्बा है. मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, वोट अपना मत ज़ाया कीजिए, क्योंकि वोट हमारा राइट है. जाइए और उस लीडर को वोट डालिए जो डिज़र्विंग है, जो आपकी बात आगे तक ले सकता है. मैं यही बोलना चाहती हूँ. इलाके में फीमेल वोट बैंक जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. आज आप देखिए कि हर जो पोलिंग स्टेशन है उसमें किसी जगह पे 40, किसी जगह 35 जो है वो तो फीमेल्स हैं ही हैं. और फीमेल्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और इस इलेक्शन में भी जो हमारी फीमेल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगी. वो बेसिकली अच्छी बात है. इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नौजवानों को और फीमेल्स को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली फ्यूचर तो नौजवानों का है, और नौजवानों को ये सोच समझ के लेना चाहिए. ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई. जो हमारा फर्स्ट टाइम वोटर है और जो हमारे नौजवान हैं, उनको सोच समझ के, इमोशंस में नहीं आना चाहिए, बल्कि सोच समझ के वोट देना चाहिए.